बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइव विद शाज़िया। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ यार आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआओं से हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह पाक आप सब लोगों को ढेरों ढेरों खुशियाँ दे। बहुत अच्छी हमारी ईद गुजर रही है, गुजरेगी भी। और आप सब बताएँ आप सबकी लाइफ में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। ये है चांद रात की रात का एक टाइम का छोटा सा मैंने एक व्लॉग बनाया था, क्योंकि मैंने ऐसे आप लोगों को बताया कि मैं व्लॉग वगैरह अब नहीं करती क्योंकि मुझे वो रिस्पांस ही नहीं मिलता जो मुझे पहले मिलता था। खैर पता नहीं क्या नज़र वज़र लग गई लोगों को, हम लोग मुझे तो देखते नहीं हैं, बट लेकिन थोड़ा मेरी भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई तो जिस वजह से मैं व्लॉग वगैरह नहीं कर पाती, क्योंकि आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो इंसान की वो उसको पूरा करना भी बहुत ज़्यादा अहम होता है। और ये है कोई असर का टाइम, तो मैं कपड़े जो हमें ड्राई किए थे वो मुझे उतारने थे, तो वो मैं उतारने आई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ ये थोड़ा सा क्लिप भी शेयर किया कि आज रात चांद रात थी तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये है मेहंदी के सेटअप। ओए होए, बड़े क्यूट लगते हैं यार, इतने क्यूट लग रहा था। तो मुझे तो खैर मेहंदी लगानी नहीं थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, तो मेहंदी हमारी दोस्त को और वर्धक को लगानी थी। देन वो भी एक खुशी का एक बहुत बड़ा हमें अल्लाह पाक की तरफ से ईद तोहफ़ा है। और सबसे बड़ी खुशी थी कि हमें कराची जाना था, तो उसकी खुशी सबसे ज़्यादा थी। बट लेकिन हर एक चीज़ अपने अपने हिसाब से होती है। और ये मेरी फ्रेंड है अक्सा, एंड अक्सा वी मिस यू यार, अगर तुम ये ब्लॉग देख रही हो तो। और इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू रखते हैं यार, बेहद अच्छा वक्त था मेरा। ये कोई सेकेंड ईद थी, यही ईद उल फितर हमारी एक सेकेंड ईद थी। बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा हाय कराची आने का ज़्यादा खुशी थी, यह अहमद मेरी गोद में सो रहा था और हम लोगों ने अपने सारे काम ख़त्म किए और सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुई। और आप सब बताएं आप सब लोगों ने ईद पे क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया? हम लोगों ने इतना कुछ नहीं बनाया सिवाय शीर कौरमा बिरयानी, क्योंकि हम लोगों ने जाना था बाहर अपने रिलेटिव की तरफ, तो इसीलिए इतना कुछ एक्टिविटी हमने की नहीं। वैसे जैसे कि एकदम से रमज़ान के बाद उठ के कुछ भी ऐसा खाया जाता नहीं है, तो नॉर्मल ही था। लेकिन ये शीर कौरमा हमने थोड़ा सा इसको रबड़ी टेक्सचर दिया था क्योंकि हमने इसका दूध इतना पकाया था ना, यम था, मेरे में पानी आ रहा है। खैर खैर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हम चले गए थे अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा आउटिंग के लिए, जो मैंने अभी आपको दिखाई अपनी फ्रेंड अक्सा के साथ। ये बहुत खूबसूरत एक फाउंटेन वहाँ पर खोला था बहरिया के अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने बहुत तफरी की, बहुत इन्जॉय किया। आप सब लोगों ने अपनी ईद को किस किस तरह सेलिब्रेट किया वो ज़रूर मुझे कमेंट में अपने बारे में ज़रूर बताना। और किस किस को ईदी मिली? मुझे तो सिर्फ एक ही इंसान से ईदी मिली, जो मेरे भाई थे बस, उनके अलावा मुझे तक किसी से भी ईदी नहीं मिली यार, ये बड़ा अफसोस है मुझे। आप सब लोगों को कैसी ईदी मिली वो ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं आ गई बोंगी आप लोगों की लाइव विद शाज़िया की, यह है वर्दा और छोटा सा हमारा महमद। महमद के लिए आप प्लीज़ से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी बख्शे, वो बहुत 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 क्यूट होता जा रहा है माशाल्लाह। एंड देन हम सब लोग अपनी एक्टिविटी के लिए आ गए थे यार, बहुत इन्जॉय किया। लेकिन मॉल ये बहरिया के थोड़ा सा बाहर था, लेक सिटी के पास ही बड़ा कोई अच्छा सा मॉल था, वहाँ पे कोई जंपिंग जैप था, वहाँ हम लोग आए थे। बहुत अच्छा हमने अपना टाइम गुजारा था। एंड देन उसके बाद हम लोग अपना वापस बहरिया में आ गए और हम लोग बुद्धू खान गए, वहाँ हमने खाना इंजॉय किया। यहाँ पर हमारा महमत, आपको पता है बेबीज़ के साथ तो कितना कोई मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना, और यहाँ पर हमारा महमत बिल्कुल नहीं टिक रहा था, ज़रा भी उसको हम संभाल नहीं पा रहे थे। तो लोगों का शोर था, फिर उसके बाद हमें भूख इतनी, हम ऐसे कोई पुखड़ हुए हुए थे ना, ओए हुए, मैं आप लोगों को बताना चाहता, हमारी भूख से जान जा रही थी। एंड देन इज़ मी, आई होप आप लोगों ने मेरा छोटा सा ब्लॉग इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।